पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अब तक हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कराने को कहा है। आज देहरादून में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के स्तर पर भी गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे चाहे किसी भी कालखंड की हो उनमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष जांच के विषय में राज्य सरकार से जो भी सहयोग मांगेगी वो दिया जाएगा। विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है उसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। सभी मामलों पर कार्रवाई चल रही है जिसका परिणाम सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हम आगे के लिए भी एक नजीर बनना चाहते हैं जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, जहां भी होगा उसको हमारी एसटीएफ हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटियों से बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनियालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से मेहनत से जिनका परिणाम आया है वो बच्चे उसमें हों।